लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है जो तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी इस पोस्ट में धमकी दी है। मामले की पेचीदगियां बढ़ाने वाला उसके गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया है, ओम जय श्री राम जय भारत। पोस्ट में आगे लिखा है, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। बिश्नोई गैंग फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत का पुल बांधे जा रहे हैं, ये एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। गैंग के सदस्य ने पोस्ट किया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम जय भारत सलाम शहीदानु। इस फेसबुक पोस्ट का अमर उजाला पुष्टि नहीं करता। एनसीपी के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी की बांद्रा इलाके में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बांद्रा में अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर निकलते वक्त 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वारदात में 2 गोलियां सिद्दीकी के पेट पर और 1 सीने पर लगी। 1 गोली सिद्दीकी के साथ मौजूद शख्स के पैर में लगी तो 2 गोलियां सिद्दीकी की कार पर जा लगी। इसके बाद बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी का शव पोस्टमार्टम के लिए लीलावती हॉस्पिटल से कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से 1 करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा धर्मराज कश्यप यूपी का बताया जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरी रात इन दोनों हमलावरों से पूछताछ की है। वारदात वाली जगह पहुंचकर टीम ने एविडेंस भी कलेक्ट किए हैं। पुलिस ने अभी तक शूटिंग के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूरी रात पूछताछ चलती रही, जबकि तीसरे हमलावर की तलाश जारी है। अब देखना है कि पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट को किस तरीके से खंगालती है और क्या वाकई ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।